દુનિયાના અનેક દેશોમાં કોરોનાનો કહેર વર્તાઈ રહ્યો છે. દુનિયાના અનેક દેશોએ આ રોગને અટકાવવા માટે વિમાનની તેમજ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની અવરજવર બંધ કરી દીધી છે. જો કે આ સ્થિતિમાં ભારતના અનેક નાગરિકો વિદેશમાં ફસાયા હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેમાં નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા ખાતે રહેતો અને હોટલ મેનેજમેન્ટના અભ્યાસ સાથે મોરિશિયસ ગયેલો વિશાલ મહંત નામનો યુવક મોરિશિયસમાં ફસાઈ જતા તેનો વિડીયો જાહેર કરી સરકારને પોતાના વતન લાવવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગણી કરી હતી. नमस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मॉरिशस में पढ़ने आए हैं. जैसे कि आपने भी देखा है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे इंडिया में शटडाउन हो गया है और कोरोना वायरस मॉरिशस में भी फैल गया है. हम सब इधर फंस चुके हैं बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से. ना हमारे पास ढंग से मास्क अवेलेबल है, ना ही सैनिटाइजर. आप देख सकते हैं सबके पास यहाँ पे हमारे पास मास्क भी नहीं है. N95 मास्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सर्जिकल मास्क है जो सफिशिएंट नहीं है. अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई नहीं है हमको ना देखने के लिए, या ना मास्क भी सही ढंग से अवेलेबल है हम लोग के लिए, ना कुछ अच्छे से पैसे बचे हमारे पास. आप प्लीज जल्द से जल्द कुछ करके हमको जल्दी से जल्दी इंडिया बुला लीजिए. आपसे हमारा बहुत निवेदन है और सबको सुरक्षित रहने का हमारा आज्ञा. प्लीज प्लीज ये वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए ताकि हम